टू माई चैनल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइज आज जो मेरा वीडियो है वो है मेरे कुछ ड्यूप आई शेडो पैलेट, जो कि बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड के साथ साथ बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में है। और कोई भी इनसे मुझे अभी तक मैं इतने इनसे नहीं यूज करी हूँ, कोई भी मुझे परेशानी नहीं हुई है इनसे। तो ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था कि दी आप इतने सारे पैलेट यूज करते हो ड्यूप, तो वो पैलेट कैसे है क्या है तो आप हमें बताइए। तो गाइज इसी पर है आज मेरा वीडियो। और मतलब ये ओरिजिनल पैलेट तो मैंने देखे नहीं है कैसे हैं, देखे तो हैं बट यूज नहीं किए हैं तो मुझे पता नहीं। बट ये जो पैलेट है ये मुझे ओरिजिनल से कम नहीं लगते क्योंकि मुझे इनसे कोई भी परेशानी नहीं हुई अब तक मैं यूज कर रही हूँ इन्हें। और बहुत ही ज्यादा अच्छे पैलेट हैं, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड के साथ रिजनेबल प्राइस है, देन बहुत अच्छा मेकअप लुक आता है इनसे। और जो भी मैंने ये यूज किए हैं उनका जो मैंने मेकअप क्रिएट किया है अभी तक, उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए। और गाइस इन सब पैलेट के जो प्राइस है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर लूंगी, वहां से आप देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी ये पैलेट देख सके, अगर कहीं भी लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगे या उसे खरीद सके। बट मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी ये पैलेट गाइस, ये इतने बुरे नहीं होते हैं जितना कि कहते हैं कि ड्यूप मत। यार एक बात मुझे बताओ, अगर किसी के पास नहीं है, सपोज करो जो ड्यू पैलेट होते हैं, ड्यू पैलेट इतने बुरे नहीं होते हैं, मैं यूज करती हूँ उन्हें, मुझे अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई है। बट आप अगर लेने में इंटरेस्टेड हो तो जरूर लीजिए पैलेट, कोई भी बुरा नहीं है। तो बस यही है आज का मेरा वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं देर ना करती वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो गाइस फर्स्ट जो पैलेट है मेरा वो है काइली का 15 कलर्स आई शेडो पैलेट। और गाइज आप देख सकते हैं ये मैं सदर से लाई थी, तो ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, देख सकते हैं आप यहाँ से थोड़ा सा ये निकल जाते हैं इसके अक्सर जो होता है। और इसमें शेड और भी आते हैं, इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 2 आप देख सकते हैं। तो आप कोई भी पैलेट ले लीजिए, महंगा से महंगा उसका ये नॉब जरूर निकल जाता है यहाँ से। और दूसरा जो होता है उस पर स्क्रैच लग ही जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को उठाने करने, क्योंकि बहुत सारे शेड पैलेट होते हैं तो ऐसे ऐसे रखते हैं तो फिर उसमें स्क्रैच लग जाते हैं थोड़े से। बट आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, देन मैंने आपको बता दिया है। और ये है मेड इन चाइना, यहाँ लिखा है मेड इन चाइना। और दूसरा यहाँ पर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं जो होता है यहाँ पर। और दूसरा आप देख सकते हैं इसके शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे मेटालिक, देन इसमें मेटालिक शेड और दूसरा जो है मैट शेड, बहुत ही अच्छे शेड हैं इसमें। और डार्क लाइट दोनों शेड है, आप इससे दोनों तरह का मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, डार्क एंड लाइट मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले मैं आपको इसको शिमडी जो है उसकी पिगमेंटेशन आपको दिखा देती हूँ। तो अच्छी है देख सकते हैं आप, देन इसकी जो डार्क मैट शेड है गाइस उसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। और ये पैलेट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, यहाँ पर दिखा देती हूँ देख सकते हैं गाइस, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लेंडेबल है, बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और ये मुझे मिला था आई थिंक 250 या 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ का मिला था शायद, ये मुझे 200 रुपीज़ का मिला था सदर से। और आप इसे ऑनलाइन लेंगे तो गाइस ये थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, अगर हो सका तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर नहीं मिला तो मैंने इसका रेट आपको बता ही दिया है, आपको ये 250 में भी मिले तो आप मत छोड़िएगा क्योंकि पैलेट बहुत ही अच्छा है। ऐसा मैं सोचे कि ड्यू पैलेट है तो आपको नुकसान देगा, गाइस अभी तक टचवुड मुझे तो नुकसान नहीं दिया है क्योंकि मैं बहुत सारे ड्यू पैलेट से मतलब ड्यू पैलेट से मेकअप करती हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट पैलेट है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट है वो भी काइली का ही है, आप देख सकते हैं आईशैडो पैलेट जो है ड्यूप गाइस, इनकी पिगमेंटेशन वाव होती है, वाव वाव वाव। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चर डेट मेंशन है, जो कि है 2017 से लेकर 2021 तक मैं इसे यूज कर सकती हूँ। देन इसका नेट वेट है 12 ग्राम्स और ये है मेड इन PRC। और इसका कलर शेड जो है मतलब आप देख सकते हैं ये है शेड नंबर 2 और यहाँ पर इसके इंग्रीडियंट्स मेंशन है, आप देख सकते हैं ये अरेबियन में और लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा, बट पैलेट बहुत ही अच्छा है ये वाला भी। और इसके शेड भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे हैं गाइस, ऐसा नहीं मैं आपको बार बार कह रही हूँ आप डरिए मत ड्यू पैलेट लेने से, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आई
एक बात बताइए, आजकल ड्यूप का ही ज्यादातर फैशन है, हुडा ब्यूटी लिपस्टिक से लेकर आई थिंक मश्कारा प्राइमर जो भी है एनीथिंग, मुझे तो लगता है कि आजकल ड्यूप जो है वो ओरिजिनल से ज्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि ड्यूप गाइज हर कोई खरीद सकता है, ओरिजिनल शायद ही कोई खरीद सके। आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छे पैलेट है और इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर यूज़ भी किया, आप देख सकते हैं अपनी आईज पे कितना प्यारा शेड है, और आप देख सकते हैं इसकी जो मैट शेड है वो भी बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें से थोड़े बहुत शेड तो दिखाई देती हूँ, जो मैट शेड है देख सकते हैं आप, ये ब्लैक जो है ब्लू है देन ब्लैक नहीं है, और इसका ब्लैक जो है वो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बस बाकी बाकी जो सारे शेड हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छे शेड है। आपको कैमरे में पता नहीं कैसे लग रहे होंगे बट शेड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, हो सका तो मैं इन सबकी जो स्वॉच पिक है वो यहाँ पर मेंशन कर लूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। और ये मुझे मिला था 200 रुपीज़ में, तो गाइज मैंने दोनों ही ये पैलेट लिए थे साथ में ही, तो मुझे 200 के मिल गए थे। देन एक पैलेट मेरा ही है एनेस्थीसिया का, और गाइज ये भी पैलेट बहुत अच्छा है, इससे मैंने लुक क्रिएट किया तो बहुत ही प्यारा लुक आया इसे। और आप देख सकते हैं ये जो मैंने आई मेकअप आज का रखा है वो ये वाला पैलेट है, ये वाला काइली का, और इसमें से मैंने आप सोच लीजिए ये वाला ब्राउन शेड लिया है, देन ये लिया है एक पर्पल शेड, और आप देख सकते हैं ये ब्राउन ऊपर है और ये पर्पल जो है लाइट सा नीचे है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा मेरा आई मेकअप आ रहा है। और ये जो है ये एनेस्थीसिया का पैलेट है, तो ये वेलवेट है तो ये थोड़ा सा जल्दी गंदा हो जाता है, ये पूरा का पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं वेलवेट है, और ये ऐसा है अंदर, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक मिरर भी है जिसमें मेरा फोन दिख रहा है, और यहाँ पर एक इसके ब्रश मिलता है गाइस, इसमें जो ब्रश मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे बहुत ही अच्छा वर्क कर सकते हैं, उसमें एक तरफ फ्लैट ब्रश है देन एक तरफ ब्लेंडिंग ब्रश है, तो बहुत ही अच्छा मेकअप, पता नहीं कहाँ पड़ा है, मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगी जब यूज़ करूँगी। तो देख सकते हैं आप इसमें बहुत ही प्यारे शेड है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ओरिजिनल पैलेट मैंने मतलब देखे हैं वीडियोज़ में देन ऑनलाइन भी देखे हैं बट उन्हें यूज़ नहीं किया, बट अच्छी उनकी पिगमेंटेशन होगी क्योंकि बहुत ही अच्छी इनकी भी पिगमेंटेशन है, उनकी अपनी अपनी बात है, इनकी अपनी बात है, तो मतलब अच्छी है। और ये भी मुझे मिला था 300 रुपीज़ का मिलता है आई थिंक, ये वाला पैलेट मुझे 300 रुपीज़ में मिला था, और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं आप गाइज, ये कैमरे में आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा बट इसकी पिगमेंटेशन और इससे जो मैंने मेकअप क्रिएट किया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, और मैं आपको ऊपर यहाँ पर पर्पल लगा कर दिखा, पर्पल यहाँ पर यूज कर देते हैं, आप देख सकते हैं पर्पल का शेड बहुत ही प्यारा आ रहा है, इसको ब्लेंड कर देती हूँ थोड़ा सा, तो बहुत ही प्यारा शेड है, आप देख सकते हैं गाइज ये भी बहुत ही प्यारा आता है लगाने पर, मतलब ग्रीन कहेंगे ना इसे, या देख सकते हैं यहाँ, तो देख सकते हैं ये इतने प्यारे शेड है, मतलब बहुत ही अच्छा, और एक ये मेहरून शेड भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे पैलेट लगते हैं, या आपको कैसा लगे तो मुझे ज़रूर बताना, आप देख सकते हो ये पैलेट, और ये मुझे मिला था 300 रुपीज़ में। देन एक ये मेरे पास है नेक्स्ट थ्री का, ये कुछ ऐसा पैलेट है देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर का है, और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है एक्सपायरी या मैन्युफैक्चर डेट, ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, तो ये 13 कलर शेडो पैलेट है, ये मेरा टूट भी गया है बट पैलेट बहुत अच्छा था तो मैंने रख रखा है, और मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे ये टूट गया है, वैसे मैं इसको क्या करूँ बट रख लेती हूँ, ये वाले तो वेस्ट हो ही गए हैं तो इन्हें निकाल लिए, आप देख सकते हैं ये वाला पैलेट मेरा मोस्टली यूज़ करती हूँ मैं इसे, तो ये पैलेट आप देख सकते हैं इसके कलर कितने प्यारे हैं, इसके कलर इसमें 4 जो है यहाँ पर ब्लशर मिले थे और ब्लशर भी बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं एक मिला था रेड में, एक मिला था पीच शेड यहाँ पर था,
एक यहाँ पर रेड था आप देख सकते हैं, और इसकी जो पिगमेंटेशन है ब्लू वाला शेड आप देख सकते हैं, वाव है ब्लू वाला शेड। मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ गाइस, बहुत ही प्यारा शेड है आप देख सकते हैं। और ये मुझे मिला था 250 रुपीज़ का, बहुत ही प्यारा मतलब पिगमेंटेशन है इनका। और इसमें सारे के सारे जो है वो मेटालिक शेड हैं, कोई भी मैट शेड नहीं है आप देख सकते हैं, सारे के सारे मेटालिक हैं। अगर आपको कोई भी आई शेडो पैलेट मैट यूज करना हो सकता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये भी जो ट्रांजिशन शेड में यूज हो सकता है, लाइट शेड देन ये वाला भी होता है, लाइट ये वाला भी होता है, या लाइट ये भी होता है, थोड़ा थोड़ा लाइट आप देख सकते हैं, ये लाइट ही है। तो इससे आप ब्लेंड करेंगे तो इजीली ब्लेंड भी हो जाएगा, ठीक रहेगा आई शेडो पैलेट। और आप देख सकते हैं ब्लैक शेड भी बहुत अच्छा है इसका, तो ये पैलेट भी है और ये मुझे मिला था 200 रुपीज़ का। तो गाइस मेरा लास्ट जो पैलेट है वो इन सभी पैलेट का शॉर्ट स्टॉपर है जो कि सबसे लास्ट में आता है, और वो है ये वाला पैलेट, ग्लैंड शाइन हुडा ब्यूटी पैलेट। और आप देख सकते हैं ये पैलेट मैंने अभी लिया है और मैंने सदर से लाई थी, तो मैं इसका मतलब इसका वीडियो भी किया है, तो उसका अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना। और देख सकते हैं आप इतनी अच्छी पैकेजिंग है यहाँ पर ग्लिटर की इसकी, बट यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आप कितना यूज कर सकते हैं, कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आप जो ड्यू पैलेट होते हैं उन्हें 3 साल तक यूज कर सकते हैं, और 3 साल के बाद आप ना ही यूज करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि 3 साल तक ही यूज कर लेंगे तो गाइस 200-300 रुपए वसूल हो जाने हैं। तो आप छोड़िए 2-3 साल तक इसे यूज कीजिए। और हम खोलते हैं इस पैलेट को, टेन यहाँ पर मिलता है एक बहुत ही अच्छा मिरर, और जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है इसके शेड गाइस, इसके शेड बहुत अच्छे हैं, और मतलब इसके शेड के तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो मुझे मतलब सबसे अब तक का मेरा सबसे बेस्ट पैलेट है ये वाला, और आपको मैं इसकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। और मैं देखो गाइस ये वाले जो ये है ना, ये वाले इसमें 5 शेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर के हैं, मेटालिक और क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा शिमरी मेटालिक जिन्हें बोलेंगे आप देख सकते हैं गाइस, बॉम पैलेट है ये ड्यूप, मेरा अब तक का सबसे प्यारा पैलेट है, मुझे बहुत ही प्यारा पैलेट लगता है ये, देख सकते हैं। सी इसकी मतलब ये पैलेट इतना अच्छा है ना कि आप देख सकते हो, इसके ये मैंने अभी आपको शिमरी शेड दिखाए हैं जो बहुत ही प्यारे शिमरी शेड है, देख सकते हैं आप। तो ये तो हो गई शिमरी शेड, और अब मैं आपको इसके जो मैट शेड है वो दिखा देती हूँ गाइज, इसकी मैट शेड की पिगमेंटेशन आप देख सकते हो क्या है, मतलब इतने प्यारे हैं इसके मैट शेड भी। ओ, मेरा हाँ, देखो बर्गर के स्वॉच कैसा हो गया। तो इसके मैट शेड की पिगमेंटेशन भी आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी है मैट शेड की पिगमेंटेशन। देन आप इसमें ट्रांजिशन शेड भी ले सकते हो, बहुत ही प्यारे हैं ये, देख सकते हो आप ट्रांजिशन शेड जो है। और ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पाउडरी है, बट ब्लेंडेबल जो है वो है बहुत अच्छा है, ब्लेंडेबल बहुत जल्दी ही जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा पैलेट है। मेरा अब तक का सबसे फेवरेट पैलेट जो है ड्यूप में वो यही वाला है गाइज। यही ही थी कुछ मेरी ड्यू पैलेट की कलेक्शन जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि दी हमें ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे लिए हेल्पफुल रहा, हम ये पैलेट खरीदेंगे। और हमारे पास और जिसके पास भी कौन सा पैलेट है तो मुझे जरूर मैसेज करके बताना कि दी हमारे पास ये वाला पैलेट है, तो आप इससे कोई भी मेकअप क्रिएट करके बताओ तो मैं आपको बताऊंगी जरूर। और बस यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो और छोटी सी मेरी पैलेट कलेक्शन, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और एक साथ में नोटिफिकेशन बेल आती है तो गाइस इसे जरूर हिट कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।